कि आप स्कूल खोलना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि सी बी एस सी अफिलियशन के लिए क्या लैंड रिक्वायरमेंट्स है क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा चाहिए तो इस वीडियो में सारा कुछ कवर करूंगा मैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वॉट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर सी बी एस ई अफिलिये सो सबसे पहले इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना तो आई नो दैट मैंने एफर्ट लगाया है आपकी वीडियो बनाने के लिए आपको इसका फ़ायदा होने वाला है एंड हैफ़कोर्स अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो और भी वीडियोज़ बनाता रहूँगा ऑन दिस टॉपिक और आपको सबसे पहले नोटिफाई होंगे सबसे पहले रिक्वायरमेंट कितना है रिक्वायरमेंट जो है आपके सिटी के हिसाब से है जो जनरली है अगर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं या सिटीज़ जिन, जिनका पंद्रह लाख ,00 से ऊपर पॉपुलेशन है उसके अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया म्यूनिस्पल कोऑपरेशन एरिया में आते हैं आप तो आपकी लैंड रिक्वायरमेंट सिर्फ एक एकड़ की है उससे बाहर है तो टिपिकली अबाउट डेढ़ एकड़ की है सी बी एस सी दो एकड़ कहता है बट डेढ़ एकड़ में भी हो जाता है अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी सिटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है तो इस नंबर पर फ़ोन कीजिए माई टीम आपके साथ बैठ के आपको अंडरस्टैंड कर लेंगे आपकी लैंड कितनी है अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो वो सजेस्ट भी कर सकते हैं कि किस टाइप ऑफ लैंड में आपका स्कूल सक्सेसफुल हो सकता है तो और भी कुछ नॉर्म्स हैं जैसे हिल हिल स्टेशन में स्टेट कैपिटल्स में तो बहुत सारे नॉर्म्स हैं अलग अलग नॉर्म्स हैं ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ सिटीज तो अगर आप चाहते हैं तो मेरी टीम से बात कर लें दे हेल्प यू आउट आपको गाइड कर देंगे तो एक बार लैंड की एरिया रिक्वायरमेंट बात होगी तो सेकेंड इज़ के अब ओनरशिप क्या होनी चाहिए ओनरशिप अगर आपकी जो ट्रस्ट या सोसाइटी या आप नॉन प्रॉफिट कंपनी आप सेटअप कर रहे हैं तो उसके नाम पर अगर हो, हो वो ठीक है या आप 15 इयर्स की रजिस्टर्ड लीज आपको करानी होगी करानी होगी तो 15 साल की रजिस्टर्ड लीज एक मैंडेटरी है तो दैट मींस आपका जो लैंड है उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है आपको अपनी ट्रस्ट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन या नॉन प्रॉफिट कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है अगेन उसमें भी चैलेंजेस हैं मेरा वीडियो बना हुआ है ऑन डिफरेंट ट्रस्ट वर्स सोसाइटी कौन सा अच्छा है आपके लिए कौन सा ठीक है आप उसको स्टडी कर सकते हैं एंड अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या ठीक है अगर आप चाहते हैं कि मेरी टीम आपको हेल्प करे तो ऑब्वियसली इस नंबर पे फ़ोन करो वी आल्सो हेल्प यू आउट बता देंगे डिफरेंसेस क्या है ट्रस्ट के सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन में उनके ऑपरेशन में और उससे आप अपनी सोसाइटी को और ट्रस्ट को कैसे सिक्योर रख सकते हो अपनी फैमिली के लिए फॉर जनरेशन थ्री स्टेप फॉमूला है वो भी आपको बता देंगे तो एक नंबर पर फ़ोन कर लीजिए एंड हैव अ वन ऑन वन मीटिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है नथिंग टू लूज़ कर लीजिए उसके बाद जो लैंड है वो लीज पे होना चाहिए जैसे मैंने कहा और और सिंगल होना चाहिए वो ऐसा नहीं कि आपकी लैंड अलग अलग, अलग, अलग पार्ट्स में है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा और अगर पार्ट्स में है तो जो पार्ट सी या आई के अफिलेशन के अकॉर्डिंग uh, है एरिया इज सफिशेंट तो उसको तो उसी उसी पे ही अप्लाई करेंगे जो अगर आपको दूसरा प्लैंड है वहाँ पर अफिलेशन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पूरा नहीं है तो उसको आप छोड़ दीजिए उसको आप अपने स्टेट से रजिस्टर करके वहाँ पर प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल चला सकते हैं वो बच्चे आपके मेन अफिलेट स्कूल में बाद में आ सकते हैं तो नॉर्मल लोग ऐसे करते हैं पर दोनों का अगर टोटल मिला के ही आप सी बी एस ई एफिलेशन पर पहुँच रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है जैसे अगर बीच में कोई रोड या रेलवे रे लाइन कोई रिवर कैनाल कोई हाई पावर लाइन जा रही है जिससे कि आपके प्लॉट्स अगर एक एक साथ नहीं है तो वो कंसिडर नहीं होंगे इट हैज़ टू भी वन पीस ऑफ लैंड इनफैक्ट आपको सर्टिफिकेशन देने होगा कि जो आपके जो लैंड है वो सिंगल ज्वाइंट पीस है तो कई बार जो आपके जो नंबर्स हैं जो यू you नो know, आपके पटवारी के जो लैंड के जो नंबर्स हैं वो अगर सीक्वेंस में नहीं है तो उसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उसका सर्टिफिकेट दे काम चल जाएगा बट फिजिकली जब वो इंस्पेक्शन के लिए आएंगे इट हैज़ टू भी वन पीस ऑफ लैंड एंड सिक्स फीट हाइट का बाउंड्री वॉल पक्का बाउंड्री वॉल चाहिए होता है सीबीएसई को तो वो आपको कराना होगा एंड तो उसके बाद लैंड यूज कराने के बाद आपको उसका लैंड यूज पर्पज़ चेंज कराना होगा फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एजुकेशनल बिकॉज एग्रीकल्चर लैंड पे आप स्कूल नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं स्कूल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको एजुकेशनल लैंड होना चाहिए तो उसका लैंड यूज चेंज कराना होगा उसको सी एल यू कराते हैं तो सी एल यू आपको करा के तो सी एल यू कराने के बाद ही आप अपना नक्शा ग जो है सेंक्शन प्लान है वो सबमिट करेंगे अपने आ, जो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर है या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है या पंचायत है जो भी सिविक अथॉरिटी आपके उस लैंड के जिसके अंडर वो आते हैं तो आपको उनको नक्शा सबमिट करके अप्रूवल लेना होगा हो, हो सकता है और भी कुछ अप्रूवल्स मांगे आपसे फायर स्कीम अप्रूवल चाहिए होगा बिकॉज की आप जो फायर स्प्रिंकलर्स वग़ैरह कोई रिक्वायरमेंट हो तो और उसके बाद जब वो आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने से पहले कुछ और रिक्वायरमेंट्स हेल्थ एंड सैनिटेशन फायर से इंस्पेक्शन चाहते हैं

लाइब्रेरी जो है वो मीटर्स मीटर्स री हैन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बुक्स और फाइव बुक्स पर स्टूडेंट दोनों चीजें विच एवर इज मोर अगर बच्चे कम हैं तो ठीक है अगर तीन सौ बच्चे से कम है तो आपको पंद्रह सौ चाहिए अगर तीन सौ बच्चों से ज्यादा तो फाइव बुक्स पर स्टूडेंट आपके पास होना चाहिए आपको लाइब्रेरी प्लान करनी उसमें है उसमें साइंस लैब्स हैं साइंस लैब जो है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मल्टीपर्पज लैब होगा तो वो नाइन बाय सिक्स मीटर का आप साइज का चाहिए होगा तो एट बाय सिक्स अभी क्लास रूम नाइन बाय सिक्स मीटर्स है आपके साइंस लैब्स जो कंप्यूटर लैब है उसमें ऐसा साइंस रिक्वायरमेंट साइज रिक्वायरमेंट नहीं दीजिए दी गई बट वन एस टू ट्वेंटी का रेशो नॉर्मली मांगते हैं स्कूल का टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड और जो मैथ लैब है जो कि नई रिक्वायरमेंट है वो भी क्लासरूम साइज को तो आप किसी भी क्लासरूम जो आपके लेआउट में एक ही क्लासरूम को आप मैथ लैब भी डेजिग्नेट कर सकते हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट एट बाई सिक्स मीटर्स हैं देन ऑफकोर्स जब जब इंस्पेक्शन के लाएंगे दे वुट वॉन्ट टू सी रूम्स फॉर म्यूजिक डांस स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के वो सब चीज़ें होनी चाहिए कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है बट आपने प्लानिंग में ले जो जो स्कूल के अंदर जो लेबलिंग है उसमें जरूर दिखाएं कि यहां बच्चे डांस करते हैं तो यू कैन किसी भी क्लासरूम को आप ईयर मार्क कर सकते हो फॉर डांस इन दीज थिंग्स टू हंड्रेड मीटर्स ट्रैक का जनरली एक एक्सपेक्टेशन है बट नहीं भी हो तो चल जाता है वॉलीबॉल आउटडोर स्पोर्ट्स में जब इंस्पेक्शन कराएंगे दे दे आस्क कि बच्चे कहाँ खेलते हैं तो आपके पास आंसर्स उसके होने चाहिए और जब भी आप बिल्डिंग प्लान करें तो या तो लिफ्ट होना चाहिए या रैम्प का प्रोविजन होना चाहिए आपके जब नॉर्म्स आप बिल्डिंग बनाने चाहिए एक ध्यान रखिए तो पार्ट फ्रॉम आपके सी बी एस ई डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन के आपको दो नॉर्म्स और स्टडी करने जो आपके आर्क्रेट को नॉर्मली मालूम होगा वह है एक तो नेशनल बिल्डिंग कोड होता है और एक आपके स्टेट का बिल्डिंग कोड भी होगा तो नेशनल बिल्डिंग कोड और स्टेट बिल्डिंग कोड में एजुकेशन वाली कैटेगरी में जाइए उसमें वो स्पेसिफिकेशन दिए जाएंगे कि आपको एजुकेशन के लिए किन चीजों चीजों का ध्यान रखना है तो आपको सारे रिक्वायरमेंट्स को देखना है और जो सबसे किसी भी चीज़ का सबसे स्ट्रिक्टर नॉर्म होगा आपको वो फॉलो करना है बिकॉज स्ट्रिक्टर वाले को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सब भी ऑटोमेटिकली फॉलो हो गए हैं एंड ऑफकोर्स टॉयलेट्स होने चाहिए वो सब आपके नेशनल बिल्डिंग को स्टेट बिल्डिंग कोड में वैसे भी आ जाएंगे सो uh, so उसके बाद जब आप अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास हेल्थ यू uh, नो you know, हेल्थ एंड हाइजीन का कोई क्योंकि वाटर क्वालिटी जो है आपके स्कूल की वो ठीक होनी चाहिए फायर का जो है अप्रूवल फायर सेफ्टी अप्रूवल होना चाहिए और अगर कोई लोकल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से कोई गाइडलाइंस है तो आपके वो भी वो दे वे आज के आप अपने नॉर्म्स को पूरा करेंगे उसके अलावा फिर देन जब जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिएगा जब गवर्नमेंट में आप अप अप्लाई करेंगे सबसे पहले तो सोसाइटी ट्रस्ट या कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है उनको उनको वो देखना होगा एक लैंड सर्टिफिकेट है जो आप सीबीएसई के जो जब आप एफिलेशन के लिए अप्लाई करेंगे लैंड सर्टिफिकेट आपको शायद नहीं मालूम होगा आप जब अप्लाई करेंगे तो एक एक फॉर्मेट टेम्पलेट देंगे वो आप डाउनलोड करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से साइन करा उसको फिलअप करना कुछ डिटेल्स और डी से साइन करा सकते हैं और उसके बाद आपको ओनरशिप प्रूव करने के लिए आपका जो लीज एग्रीमेंट है आपका जो भी आप अगर रजिस्ट्री है अगर प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे एंड uh, जो सेंक्शन बिल्डिंग प्लान है वो भी आपको रेडी चाहिए होगा उस टाइम पर सी बी एस सी आपसे मांगेगी एंड फाइनली एक जो बड़ा चीज़ है वो है नो एन ओ सी जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एन ओ सी है बिकॉज आप अप्लाई करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को कि वी दे हैव नो ऑब्जेक्शन टू यू अप गोइंग टू सी बी एस सी और आई सी एस सी जोन सा भी बोर्ड आप जा रहे हैं सर एन ओ सी जो नॉर्मली मिलता है वो कहने को एक डॉक्यूमेंट है बट उसके पीछे गवर्नमेंट विल कई सारे डॉक्यूमेंट्स हो, होते हैं बिकॉज बेसिकली गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अपार्ट फ्रॉम सी ने चलो एजुकेशन का ध्यान तो रख लिया बट बच्चों की सेफ्टी का ध्यान स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो so, उसके लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी फायर सेफ्टी और ऐसे कुछ छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सारे पूरे करके देने हैं तो गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ अब सेफ है बच्चे और जो हमारी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं हमारा स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स है वो भी इन्होंने पूरा कर दिया सो नाउ दे आर कॉन्फिडेंट कि आप स्कूल आगे तक चला सकते हैं तो स्टेट एन आपको देना है सो so जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ जब भी आप स्कूल बनाने से पहले ही ये सब स्टेप्स जो है सी रिक्वायरमेंट स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट नेशनल बिल्डिंग कोड स्टेट बिल्डिंग कोड ये चारों डॉक्यूमेंट्स को मिक्स करके इंश्योर करें कि आपके आर्किटेक्ट्स आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट्स इन्फॉर्मड होते हैं जिनको स्कूल का एक्सपीरियंस है बट फिर भी आप चेक कर लीजिए बिकॉज बाद में जब इंस्पेक्शन स्टेज पे आए और आपकी कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मैनेज बिकॉज जैसे आपने देखा जो मैंने पॉइंट्स बताए साइजेस का रूम साइजेस का एरिया का बिल्कुल स्पेसिफिक है सब्जेक्टिव नहीं है सो so अगर वहाँ पर मैनिप्लेशन के चांसेज नहीं रहते तो इंश्योर पहले से ही आप यू uh, नो you know, चल के यू नो शुड बी इन्फॉर्म्ड बिकॉज दूसरों की गलतियों सीखना इज़ द मोस्ट इज द स्मार्टेस्ट वे टू लर्न तो आपके पास दो ऑप्शन है अगर आप मेरे से और डिटेल में सीखना चाहते हैं पर्सनली कि स्कूल कैसे खोला जाए तो डेफिनेटली मेरे वेबिनार में ज्वाइन कर लो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जा ज्वाइन करके कर, आ जाइए इट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तीन घंटे में ए टू जी कवर कर दूंगा ऑन हाउ टू ओपन स्कूल या अगर आप एक पर्सनलाइज सपोर्ट चाहते हैं कि आपके एरिया में आपके हिसाब से एक वन ऑन वन सेशन मेरे स्कूल सेटअप एक्सपर्ट आपके साथ बैठ के आपको हेल्प कर देंगे और विद विद द प्लान टू हेल्प आपकी पूरी क्लैरिटी दे देंगे आपको एक रोड मैप दे देंगे जहाँ आप आज हैं से लॉन्च आपको अगले साल करना है दो साल बाद करना है जब भी करना हो पूरा रोड मैप बन जाएगा वो चाहते हैं तो उसके लिए इस फोन नंबर पे फ़ोन कीजिए एंड जॉइन माय कम्युनिटी आई होप दिस वीडियो वाज यूज़फुल अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दे देना लाइक बटन जरूर दबा देना ताकि मुझे मालूम हो कि लोगों को अच्छा लग रहा है और मैं ऐसे वीडियोज़ और बनाता रहूँ रिसर्च करके ताकि आपको बेनिफिट हो बिकॉज लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स इज़ द चीपेस्ट वे टू लर्न This is Amol Arora, Managing Director, Shamrock and Shemford Schools. I am an expert in helping people with no background in education run successful schools. And I also run the YouTube channel with the most subscribers on how to open a successful school. If you haven't subscribed, please subscribe below because uh, that will really, really motivate me to keep posting videos because longer benefit. benefiting. So definitely I'll keep posting. And of course, if you have a question questions, I'll answer video in the video. So we hope this video was useful. Wish you all the best in your school project.